नमस्कार दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आज एक और स्टूडेंट है जिसका हम फीडबैक ले रहे हैं और पूरी जर्नी बताते हैं, इसका पूरा स्टोरी बताते हैं, क्या इसका स्टोरी है, नहीं है, कैसे हमारे तक पहुंचे, क्यों पहुंचे हैं। तो आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश मुर्मू है। कमलेश मुर्मू, मुर्मू जी आप कहाँ से हैं? मैं दुमका जिला से हूँ। दुमका जिला से हैं। दुमका कितना किलोमीटर होगा जी यहाँ से? ट्रेन से तो ज्यादा है, लेकिन नहीं, 200 के आसपास। 200 के आसपास है। तो आप बताएंगे जी, आप SMTC इंस्टीट्यूट को जाने कैसे? मेरा दोस्त था मनोज हेमराम। मनोज हेमराम, हाँ ठीक है। उसको मतलब मोबाइल में ज्यादा ही रुचि था। अच्छा, मोबाइल में ज्यादा रुचि था, ठीक है। बहुत दिन से उसका था कि मोबाइल हम सीखेंगे। हाँ, तो हम उतना ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, आप उतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। मेरा पहले से ही काम चलता था ऑनलाइन का। किस चीज का काम चलता था? मेरा दुमका में ऑनलाइन सर्विस का काम चलता था। कहाँ पे? दुमका में किस जगह है? दुमका एकदम मेन बाजार में ही है। मेन बाजार में ही, कॉलेज के आसपास। अच्छा अच्छा, कौन सा कॉलेज का नाम क्या जी? SP कॉलेज दुमका, सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, सुने हैं तो? ओके, वही, उसी कॉलेज के आसपास मेरा ऑनलाइन का काम चलता था जी। तो काफी अच्छा चलता था, तो इसलिए हम दूसरा ध्यान नहीं देते थे। हाँ, तो बाद में लगने लगा कि चलो दुकान को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। मतलब दुकान तो चला रहे हैं, कुछ इसमें और जोड़ेंगे। हाँ, तो और इनकम होगा। इनकम होगा, सिंपल सा चीज। अपना बिजनेस में आप जितना मटेरियल को ऐड करते जाते हैं, वहाँ पे ग्रोथ बढ़ता है, जाता है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद फिर इसी बीच में सोच ही रहे थे कि मनोज फिर आया। हाँ, बोला हम जा रहे हैं धनबाद। हाँ, जाएगा तो चलो चलो देख के आते हैं। तो उसका था कि पहले वो दुमका में सीखा था एक बार। कहाँ पे सीखा था? दुमका में, हम लोग का मतलब एरिया में ही, जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग सब होता है, वहीं पर एक बार गया था। उसे 3,000-4,000 रुपया लिया, लेकिन सिखाया कुछ नहीं उसको। 3,000-4,000 रुपया लिया है, सिखाया नहीं। नहीं, तो हम उसको बोले पहले तुम ठगा गया है, तो पहले चलो हम लोग देख के आते, देख फिर कहीं जाके ठगा ना जाए। बात सही है। इसके बाद हम लोग आए सर आपके पास, तो हम वहाँ पर समझाए हम दोनों को, फिर लैब सब दिखाए, तो अच्छा लगा। उसी दिन हम लोग सीट बुक किए। हाँ, उस दिन आप लोग सीट बुक किए। इसके बाद वही 2 नवंबर से हम लोग क्लास स्टार्ट। अच्छा, 2 नवंबर से आप लोग क्लास चालू किए थे, है ना? हाँ। चलिए, तो कमलेश जी आप बताएंगे, मोबाइल रिपेयर का फील्ड आप चुने तो अपना दुकान को अपग्रेड करने के लिए, है ना? अपना दुकान को अपग्रेड करने के लिए कि हम इसमें अभी ऑनलाइन का सारा सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे क्या है, आप अपना दुकान मतलब अपना हॉस्पिटल खोल के रखे, पेशेंट आ रहा है, उसको इलाज नहीं करेंगे, पैसा मिलेगा कैसे, है ना? तो वहाँ पे आप एक काम को कर रहे थे जिसमें से आपको ऑनलाइन का सारा काम उसमें हो रहा था, है ना? तो अब इसमें क्या सोचे कि मोबाइल रिपेयर ऐड करना है, मोबाइल एसेसरीज ऐड करना है, ताकि वहाँ पे हम लोगों को ज्यादा सर्विस दे सके, वहां से हमको कुछ बेनिफिट मिल सके, ज्यादा हमको अर्निंग मिल सके। चलिए ठीक है। तो आप हमारे पास कितने दिन का, 2 नवंबर से आप क्लास चालू किए हैं, तो अभी कितना क्लासेस आपका हो गया जी? अभी मतलब लगभग जैसा सब हो गया है, मतलब 2.5 मंथ के आसपास क्लासेस आपका हो गया है ना? चलिए, आप काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया अभी, कि लग रहा है कि अभी हम दुकान सेटअप कर सकते हैं। सिंपल सा चीज, आपके पास कोई कस्टमर आएगा। हाँ। तो यदि वो कुछ भी प्रॉब्लम बोलता है, जैसे कि वो बोलता है माइक प्रॉब्लम, स्पीकर प्रॉब्लम, डिस्प्ले प्रॉब्लम, डेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बोलता है, तो सिंपल सा चीज, लोगों में एक डर होता है कि ये फोन हमको कस्टमर दे दिया तो हम कैसे काम करेंगे, कहाँ से काम करेंगे और कौन प्रोसेस से काम करेंगे। प्रोसेस को, चीजों को समझ में आ रहा है? हाँ, अभी पूरा मतलब जैसे कस्टमर बताएगा क्या प्रॉब्लम है, तो तुरंत हम कहाँ से काम स्टार्ट करना है वो दिमाग में आ गया है। चलिए ठीक है। एक प्रैक्टिक्स का जो ट्रेनिंग होता है, वो प्रैक्टिक्स का ये ट्रेनिंग होता है जैसे कि लोग फंसता है ट्रेसिंग करने, मल्टीमीटर चलाने के लिए, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, बीप क्यों कर रहा है, रीडिंग क्यों कर रहा है, रेसिस्टेंस को कौन सा वैल्यू कितना ओम से चेक करते हैं, ये सब मल्टीमीटर का के बारे में जानकारी आपको मिला? सब मिला, साथ में स्केचमेटिक हमको मिल गया। स्केचमेटिक में आप क्या क्या चीज सीखे? लेआउट चलाना जानते हैं? लेआउट चलाना, डायग्राम चलाना, हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप सब सीख गए हैं। मतलब आपके पास में यदि डायग्राम है तो उसको चेक, उसको चला करके आप डायग्नोसिस कर सकते हैं आराम से, आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद में आपको क्लासेस मिला होगा IC रिबॉलिंग का। तो रिबॉलिंग में जैसे कि होता है EMMC रिबॉलिंग, अभी ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, चार्जिंग IC से आ रहा है, पावर IC से आएगा, नेटवर्क IC का आएगा, नेटवर्क IC में WTR IC का आएगा, है ना? आपका 3G 4G IC प्रॉब्लम आएगा, ये सब तो आप EMMC का प्रॉब्लम आएगा, CPU रिबॉलिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो क्या रिबॉल आप कर सकते हैं आराम से सर? रिबॉल कर सकते हैं, कर भी लिए हैं एक बार। देखिए मुर्मू, हमको ये बताना चाहेंगे, जैसे कि मोबाइल रिपेयर का जो ट्रेनिंग होता है वो आप जानते होंगे या नहीं जानते हुए चेक भी कर सकते हैं। जैसे बाहर इंस्टीट्यूटों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 30,000-40,000 फीस है, है ना? वहां पे वो बोलते हैं कि हम लोग रिबॉलिंग सिखाते हैं, ट्रेसिंग सिखाते हैं। तो क्या वो महसूस हुआ ट्रेसिंग आपको सिखाए? हम भी तो कितना 15,000 लिए बाबू, लेकिन कि ट्रेसिंग आपको सिखाए, हम आपको रिबॉलिंग सिखाए तो
जिस अनुसार से हम फीस लिए क्या उसके अनुसार से हम आपको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिए? पूरा नॉलेज मिला सर, और सब पहले यहाँ आने का कारण यही था कि हाँ। कम फीस है। अच्छा कम फीस है क्या? दूसरा जगह देख रहे थे कि 45,000 35,000 से ले रहा था। देखिए होता क्या कि आपको 15,000 फीस लगा, रहने के लिए रूम का रेंट आपको 1,000 रुपए के आसपास लगा है ना, उसके बाद खाना वाना जिस तरह से मेटेरियल, आप कहीं भी पता कराएंगे तो फीस अलग है और रहने के लिए 10,000-5,000 रुपए अलग से लग रहा है। उसमें क्या होता है कि आप लोग जब अपने से रहे तो वहाँ पे मैनेज करके लोग अपना मेंटेन कर लेता है। इसमें क्या होता है जो गरीब फैमिली के लोग जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है वो कर सकता है ना, वो चीजों को कर सकता है। तो ये क्या हुआ गया कि आपको फी भी मेंटेनेंस थोड़ा कम लगा और रहने में भी थोड़ा कम ही खर्च, रहने में भी कम खर्च हुआ। अब देखिए यदि आप 40,000-50,000 देकर के ट्रेनिंग करते हैं और यदि वो पैसा बचा तो उस पैसे से आप क्या टूल्स ले सकते हैं, आराम से टूल्स ले सकते हैं कि नहीं, पैसा से दुकान स्टार्टिंग हम लोग कर सकते हैं, दुकान स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो बाबू टूल्स भी लेना है वो अपना बजट के अनुसार से देख करके लेना है, टूल्स बहुत हाई फाई आता है उस तरीके से नहीं लेना है, आपको देखना है कि हमारा क्या बजट है। बहुत सारे लोग देखते हैं लोन ले लेता है और बिजनेस चालू कर देता है पर असल चला ही नहीं पाया, तो थोड़ा सा ध्यान देकर के काम करना है कि हम कैसे पैसा लेंगे, कहां से लेंगे और कितना खर्च करें। सबसे बड़ा चीज खर्च करने पे सोचना है। एक चीज मेन चीज हम आपको बताते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के पास बीता है, क्या होता है पैसा उसके पास बिजनेस के लिए पॉकेट में आया फटाफट पूरा लगा दिया और वो फंस जाता है, इसीलिए पैसा खर्च करोगे तो बिल्कुल सोच समझ करके है ना, ताकि आपको आगे बैकअप लेने में अच्छा, कहीं आपको जैसे कि दुकान में कुछ हमको तुरंत खरीदना है पैसा पॉकेट में रहेगा तब तो खरीदोगे, अब एक ही बार सब खरीद लोगे तो फिर खरीद पाओगे क्या? नहीं, तो थोड़ा सा अब ट्रेनिंग आपका जब कंप्लीट होगा तो दुकान में, दुकान तो आपका है प्रॉपर पहले से, दुकान तो लेना नहीं है, दुकान नहीं लेना है, तो वहां पे आपको SMD मशीन, सेपरेटर मशीन, DC सप्लाई मशीन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो चीजों को ले लेना, अपना बजट देखते हुए लेना, थोड़ा चीप एंड बेस्ट लेना है ना। उसके बाद में बाबू जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाओगे उसके बाद यदि कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो ऑनलाइन आप हेल्प हमसे ले सकते हैं, क्योंकि आप वहां से रोज तो आ नहीं पाएंगे, आ पाएंगे क्या? संभव नहीं है। व्हाट्सएप के द्वारा, कॉलिंग के द्वारा जब भी आप हमें मैसेज करोगे हम उसका रिप्लाई करेंगे, हमारा प्रयास होता है शाम को ज्यादातर रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता दिन भर क्लासेस चलता है इनकी, फिर भी यदि कुछ अर्जेंट आ जाएगा तो आप कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम सभी बच्चे को लाइफ टाइम सपोर्टेड करते हैं, वो आना चाहता है तो आकर के भी उसको सपोर्ट देते हैं, आता है तो यहाँ भी उसको बताते हैं, और यदि वो ऑनलाइन सपोर्ट लेना चाहता है तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, हम लोग देख भी रहे हैं सर, और आप लोग देख भी रहे हैं, चलिए ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, देखो बाबू कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस होता है ना वो एक लाइनअप के थ्रू चलता है, तो आप जितना दिन तक हमसे कनेक्ट रहोगे हम आपको उतना इनसे कनेक्ट रहेंगे और उतना सपोर्ट करेंगे, जितना आपको सपोर्ट चाहिए उतना आपको हम देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब चीज मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए काम को आगे करना है, और क्या बोलते हैं कि कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, जितना देर तक हाथ पकड़े रखोगे हम उसको पकड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक सर। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी फीडबैक दिए, कुछ भी बातें बताएं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और जो भी भाई लोग मेरा देख रहे हैं उसको भी तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। चलिए कुलदीप।